पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैन से जीना है तो जाग जाओ, नहीं तो शहर छोड़कर भाग जाओ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगा हुआ है और इसी आचार संहिता का फायदा उठाते हुए रेती माफियाओं का काफी बोलबाला हो गया है। रेती माफिया समुद्र को, खाड़ी को अपने बाप की जागीर समझते हैं और उसी जागीर को समझते हुए बिल्कुल खुलेआम नाव लगा करके स्टीमर के जरिए और विस्फोटक पदार्थ डाल करके खाड़ी के अंदर उसको विस्फोट करने के बाद फिर रेत निकालने का धंधा बड़े पैमाने पर जारी है। और इन माफियाओं का हौसला इतना बुलंद हो गया है, ये माफिया इतने निडर हो गए हैं कि बिल्कुल शहर के नजदीक आ गए हैं। रेती बंदर में जहां पे रेलवे ब्रिज बन रहा है वहीं के बिल्कुल नजदीक इन लोगों ने बाज लगा करके और बड़े पैमाने पर रेती निकालने का काम शुरू कर दिया है। बड़े हैरत की बात है कि इस तरफ न तो प्रशासन का ध्यान जाता है और न कलेक्टर का ध्यान जाता है और न तलाटी। आखिर ऐसा क्यों, एक सवालिया निशान है। आपको बता दें कि मेन लाइन, जहां से मेन लाइन की गाड़ियां गुजरती हैं वहां पे सटा करके बाज लगा करके और रेती निकालने का काम बड़े पैमाने पर जारी है। इस तरफ आखिर क्यों किसी का ध्यान नहीं जाता। रेती माफिया बहुत ही होशियार किस्म के हैं, वो पुलिस से नजर बचाकर और बाज लगा करके रेती निकालने का काम कर रहे हैं। बड़े हैरत की बात है कि चूहा पुल के पास और उसके आगे अपना दिवा गांव के पास जो खाड़ी है वहां पर भी बड़े पैमाने पर रेती निकालने का काम जारी है। इस तरफ न तो तहसीलदार का ध्यान जाता है और ना तलाटी का। आखिर क्यों, एक बड़ा सवाल है। अगर कंप्लेन करने जाओ तो कहते हैं ठीक है, कार्रवाई करेंगे और बहुत ही ज्यादा अगर दबाव पड़ा तो छिटपुट कार्रवाई करने के बाद में और सारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि जब से आचार संहिता लगा है तब से अपराधियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। शहर में लगातार अपराध हो रहे हैं, कोई कहीं बच्चा चोरी की खबर आ रही है तो कहीं ड्रग्स का मामला आ रहा है तो कहीं हाईवे पर चालकों को लूटा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त दीवा परिसर में वो चाहे दांतेवाली हो या सावे गांव हो या दीवा शहर के अंदर लगभग सैकड़ों अवैध बांधकाम धड़ल्ले से किया जा रहा है। न तो कोई सहायक आयुक्त देखने जाता है और न वार्ड अधिकारी देखने जाता है, बड़े पैमाने पर अवैध बांधकाम जारी है। और ये अवैध बांधकाम नहीं बल्कि मौत का सामान तैयार किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जल्द ही आपको ये खबर मिलेगी कि दीवा में कोई ना कोई इमारत जो अति धोखादायक तरीके से बनाई गई है कभी भी ढह सकती है और जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। अगर प्रशासन इस तरीके से लापरवाही करती रही तो इसमें कोई शक नहीं कि कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। सुल्तान रिज़वी, पब्लिक चैनल।